मोहब्बत के तीन दर्जात हैं। पहला दर्जा मोहब्बत का यह है कि किसी चीज से आम मोहब्बत हो जाए, मखलूक में से किसी चीज से आम तरीके की मामूली मोहब्बत हो जाए, जैसे लिबास से मोहब्बत, खाने से मोहब्बत, कपड़े से मोहब्बत, पानी से मोहब्बत, मकान से मोहब्बत, ये आम तरीके की मोहब्बत है। ये भी एक किस्म की मोहब्बत है, लेकिन ये मामूली मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह से अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह ये नहीं चाहता कि जैसा तुम खाने पीने से मोहब्बत करते हो वैसी मुझसे मोहब्बत करो, जैसी कपड़ों से मोहब्बत करते हो वैसी मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह ये नहीं चाहता, ये आम मोहब्बत नहीं चाहता। दूसरी मोहब्बत का दर्जा यह है कि इस मोहब्बत से खाने पीने और लिबास से बढ़कर थोड़ी तेज मोहब्बत होती है, शदीद मोहब्बत होती है। वो किस चीज की मोहब्बत होती है? यह दूसरा दर्जा है, मां बाप से मोहब्बत, बीवी बच्चों से मोहब्बत, माल से मोहब्बत। ये मोहब्बत खाने पीने से ज्यादा होती है। उस मोहब्बत के मुकाबले में ये मोहब्बत ज्यादा होती है कि इंसान माल से खाने से ज्यादा मोहब्बत करता है, कमाने के लिए भूखा रह जाएगा लेकिन माल की मोहब्बत उसे परेशान कर देती है, बीवी बच्चों की मोहब्बत परेशान कर देती है और शिद्दत इख्तियार करती है। और तीसरी मोहब्बत का दर्जा क्या है? वो दर्जा ये है कि मां से ज्यादा, बाप से ज्यादा, माल से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, मकान से ज्यादा, जान से ज्यादा, अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई किसकी? अल्लाह की, तो अल्लाह उस मोहब्बत को तलाश कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में। वो ये नहीं चाहता कि पहले दर्जे की मोहब्बत हो, जैसी लिबास से मोहब्बत है, दूसरे दर्जे की मोहब्बत हो, जैसे मां बाप और बीवी बच्चों से मोहब्बत है। कुरान कहता है नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा। इसको अल्लाह ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम व अमवालुन इक़तरफ़तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिकीन। मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम बाप से कुल इनकाना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप की मोहब्बत, तुम्हारे बेटों की मोहब्बत, तुम्हारे माल की मोहब्बत, तुम्हारे खानदान की मोहब्बत, उस मकान की मोहब्बत जिसमें तुम रहते हो और जिसमें तुम्हें रहना पसंद है, उस माल की मोहब्बत जिसका नुकसान तुम्हें तकलीफ देता हो, अगर ये सारी मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल और राह खुदा में सरफरोशी से ज्यादा है, तो कुरान कहता है फसौफ यातिल्लाहु, परवरदिगार इरशाद फरमाता है फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह के अदाब का। फतरबसु हत्ता यातियल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिकीन। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। पता चला अल्लाह कैसी मोहब्बत चाहता है? मां से ज्यादा भी खुदा से मोहब्बत करो, बाप से ज्यादा भी खुदा से मोहब्बत करो, रिश्तेदार से ज्यादा भी खुदा से मोहब्बत करो, औलाद से ज्यादा भी खुदा से मोहब्बत करो, सारी चीजों से ज्यादा खुदा से मोहब्बत करो। उस मोहब्बत को जब तुम पालोगे तो तुम्हारी कैफियत यह होगी कि अब तुम मोहब्बत इलाही के जाम को पी लेने के बाद तन्हा नहीं रहोगे, बल्कि मौला तुम्हारी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन फरमा देगा। तो कुरान जो मोहब्बत चाह रहा है अल्लाह से, वो सबसे ज्यादा की मोहब्बत चाह रहा है, सबसे ज्यादा की मोहब्बत।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत के सिलसिले में औरफा के अकवाल को पढ़ो। बड़े दावे हम कर रहे हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, लेकिन माल हो, रिश्तेदार हो, ऐजा अकरबा हो, झूठ सच का मामला हो, सारी मोहब्बतें गालिब आ जाती हैं। कुदरत की मोहब्बत का इंसान ख्याल नहीं करता, न उसकी खुशी का ख्याल करता है, न उसकी नाराजगी का ख्याल करता है। इसीलिए आप देखें औरफा का कौल, औरफा के अकवाल क्या हैं। बसावकात इंसान चंद रकात नमाज पढ़ ले तो उसे बहुत समझने लगता है, अगर रोजे रख ले बहुत समझने लगता है, तीन दिन में कुरान खत्म कर दे बहुत समझने लगता है, अपनी इबादतों को अगर इतनी सी कर ले तहज्जुद का आदि बन जाए तो इससे बहुत। और कभी परवरदिगार जल्ल जलालहू उसे कुछ थोड़ा सा अता करे या उसकी शान के मुताबिक वो ज्यादा अता करे, तब भी वो इंसान ये समझता है कि मुझे तो और ज्यादा चाहिए था, इतना ही क्यों उसने अता किया। लेकिन जिसे खुदा से मोहब्बत होती है, तवज्जो चाहूंगा, जिसे खुदा से मोहब्बत होती है उनकी सोच क्या होती है, तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिस बंदे को अल्लाह से मोहब्बत हो वो अपने कसीर अमल को भी कलील समझता है, वो अपने कसीर अमल को भी कलील समझता है, और महबूब की कलील अता को भी कसीर अता समझता है। कि अगर मौला एक कतरा दे दे तो बंदा पुकार उठता है, मेरे करीम ने करम फरमा दिया, मुझे इतना सारा अता फरमा दिया। अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो यह कैफियत होती है। फिर मोहब्बत की अलामतें होती हैं, मोहब्बत की पहचान होती है, मोहब्बत की कुछ निशानियां होती हैं। कभी आपने सोचा सदियां गुजर गई गरीब नवाज का जिक्र क्यों हो रहा है, सदियां गुजर गई गरीब नवाज का तस्करा क्यों हो रहा है? तो आइए कुरान की रोशनी में आपको समझाता हूं। फरमाया गया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तवज्जो चाहूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। जिक्र करने वाले की एक उम्र होती है, कोई अल्लाह का वली पैदा होते ही अल्लाह का जिक्र शुरू कर देता है, कोई पूरी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजारता है और उसकी जिंदगी की मियाद 60 साल 70 साल 80 साल है, और वो 80 साल उसने याद इलाही में बसर कर दिए। अब अगर हम गरीब नवाज अले रहमा को देखें, कुरान तो ये कह रहा है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, पता ये चला जब तक तुम जिक्र करोगे तब तक मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि गरीब नवाज की जितनी उम्र थी उतनी जिंदगी उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, और विसाल के बाद तो फिर अल्लाह का जिक्र नहीं, आमाल का सिलसिला मुनकता हो गया। परवरदिगार ख्वाजा ने जब अपनी उम्र के मुताबिक जिक्र किया तो ख्वाजा की तो 800 साल की उम्र थी नहीं, फिर ये 800 साल से ख्वाजा का जिक्र हो कैसे रहा है? ये 800 साल से ख्वाजा का जिक्र हो कैसे रहा है? तो जवाब मिलेगा नादान, मेरे मोइनुद्दीन ने मेरा जिक्र उसकी उम्र के मुताबिक किया, और मेरी शान ये है मैं हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा, तो ख्वाजा का जिक्र भी हमेशा जारी और सारी रहेगा।
इसलिए कि उस जाकिर को मैं जिक्र का सिला यह अदा करता हूं कि उसने जिंदगी जितनी थी मेरे जिक्र में गुजार दी और मैं सिला देने वाला अब कयामत तक मेरे मोइनुद्दीन का जिक्र जारी हो सारी रखूंगा।